हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला और सबसे पॉपुलर मेडिसिन के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका नाम है हिमालय का टेंटेक्स रॉयल। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या क्या मिला के इसको बनाया गया है, डोज क्या है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है और आपको ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स बता करना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें। सब्सक्राइब करना तो फ्री है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर टेंटेक्स रॉयल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो टेंटेक्स रॉयल है इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिला के इसको बनाया गया है। तो मैं तो आपको बता दिया कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो यहाँ पर कोई केमिकल तो मिलाया नहीं गया होगा। यहाँ पर सिर्फ जड़ी बूटियाँ मिला के इसको बनाया गया है। और उस जड़ी बूटियों में सबसे जो दो मेन इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, एक है गोक्सुरा, दूसरा है कोकिलाक्षा। ये दोनों को मिला के बनाया गया है दोस्तों टेंटेक्स रॉयल। और इसके साथ साथ बताड़ा, केसर, मूसली और इसके बाद नागावली, सुनिशंका, तो ऐसा बहुत अच्छा खासा आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट मिला के बनाया गया है दोस्तों हिमालय का टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल। अभी बात करेंगे यहाँ पर जो मेन इन्ग्रीडियंट, जैसे कि मैं पहले बताया कि एक है गोक्सुरा और दूसरा है कोकिलाक्षा। तो गोक्सुरा का यहाँ पर फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये काम इच्छा को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर पुरुषों में वजन कम करता है और मसल बढ़ाने में हेल्प करता है। और भी ये देखाया गया है दोस्तों जिसका मूत्र विकार भी होता है उसको भी गोक्सुरा दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोक्सुरा। दूसरा है दोस्तों कोकिलाक्षा। तो ये जो है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम, उसको बूस्ट करता है। और इसके साथ साथ जहर का इलाज के लिए भी ये फायदेमंद है। और पीलिया, एनीमिया, गठिया और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गठिया और जोड़ों के दर्द को बहुत अच्छे से राहत देता है। और इसके साथ साथ नाक से बहने वाला खून इत्यादि के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो मैं तो ये बता दिया दोनों मेन इंग्रेडिएंट का काम क्या है। अभी बात करेंगे दोस्तों ये जो हिमालय का टेंटेक्स रॉयल है इसका फायदा क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हिमालय का टेंटेक्स रॉयल जो कंपनी बनाया है हिमालय का, तो उसको सिर्फ पुरुषों के यौन शक्ति को और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ ये स्पेशली दोस्तों पुरुषों के लिए ही है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा इसका अलग अलग बेनिफिट भी है। जैसे कि यह लिबिडो बूस्टर है, लिबिडो का बता देता हूँ, जिसको यौन इच्छा में कमी होता है दोस्तों, तो उसको बढ़ाने में, यौन इच्छा बढ़ाने में जो काम करता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं लिबिडो। अगर लिबिडो ज़्यादा होगा या फिर लिबिडो बूस्ट होगा तो आपको यौन इच्छा में वृद्धि होगा दोस्तों, तो ये एक लिबिडो बूस्टर है। और इसके साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है अपने हेल्थ में, जो भी हमारा बॉडी में। तो दोस्तों अगर आपका पेनस में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो यहाँ पर तनाव नहीं आएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे कि शुक्राणु, जो कि हम स्पर्म काउंट को भी ये बढ़ाता है, और यहाँ पर जो भी मर्दों में अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जैसे कि बहुत ज़्यादा काम करने के वजह से ये थका हुआ आता है तो सुस्त रह जाता है, तो यहाँ पर ये एक्टिव करने में हेल्प करता है, मसल बढ़ाने में भी हेल्प करता है दोस्तों, अगर बात करेंगे टेंटेक्स रॉयल का। अभी बात करेंगे दोस्तों ये टेंटेक्स रॉयल का प्राइस क्या है। तो जैसे कि एक सीसी में ये आता है तो इसका 10 कैप्सूल आपको 140 या 120 रुपीस में भी मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डोज क्या रहेगा हिमालय का टेंटेक्स रॉयल का। देखिए दोस्तों बेसिकली इसे तो बोला जाता है कि आपको हर दिन दो बार इसको लेना है, एक एक कैप्सूल सुबह शाम, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एक ही कैप्सूल लो इसका, और ये जो है रात में खाना खाने के बाद आपको लेना है, और वो भी एक कैप्सूल लेना है दोस्तों। आप गुनगुने दूध में या फिर गुनगुने पानी में ले सकते हो। कब तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये एक आयुर्वेदिक दवा है, इसका ध्यान आपको रखना है। सिर्फ यही नहीं, जितना भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों उसमें से मैक्सिमम आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि एलोपैथी जैसे यहाँ पर बहुत सारा केमिकल मिला के बना दिया गया और आपको खाते ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे आपके ऊपर काम करता है और लाइफ टाइम के लिए भी रहता है, तो इसको टाइम देना चाहिए। तो मिनिमम तो आपको 6 से लेकर 12 वीक तक आपको इसको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। अभी बात करेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या है। देखिए दोस्तों साइड इफेक्ट से पहले बता दूं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो या फिर होम्योपैथी हो,
कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो तो एक बार आपके डॉक्टर से पूछ के ही आपको लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है आपको एलर्जी हो या फिर आपका कोई प्रॉब्लम हो, और अगर आप दूसरे कोई मेडिसिन भी ले रहे हो तो उसके साथ साथ अगर इसको लेते हो तो भी हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा हर एक वीडियो पर बताता हूँ कि कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के आपको लेना है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसको कौन कौन ले सकता है। इसको दोस्तों जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, लेकिन उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा, बेसिकली 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले इसको ले सकते हैं। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका जो जितना भी आपका डॉक्टर बताएंगे, अगर दिन में एक कैप्सूल लेना है, दिन में दो कैप्सूल लेना है, जो भी बताएंगे उसी हिसाब से आपको लेना है। अगर आप उसका कम या ज़्यादा कर रहे हो तो एक तो आपको इफेक्ट भी नहीं दिखेगा और दूसरा प्रॉब्लम होगा कि आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये दवाई को बच्चों से दूर रखना चाहिए और यहाँ पर 24 घंटे के अंतराल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो गोलियाँ ही लेना है और इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ये मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पर आपको इसको वायग्रा के साथ आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि वायग्रा जो है इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा और इसका इफेक्ट ख़त्म होने के बाद इसका भी मतलब आपका रिजल्ट भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको धीरे धीरे काम करने में हेल्प करता है और आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। और अगर आप इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है ये सोच के अगर ज़्यादा ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम भी आपको कर सकता है। तो दोस्तों देखिए सब कुछ तो मैं बता दिया हूँ, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पूरे वीडियो वॉच किए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।